हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी पोसालिया मंडल में आपातकाल काला दिवस पर विरोध प्रदर्शन किया। काला दिवस कार्यक्रम में सह संयोजक विक्रम चौहान ने बताया कि मुख्य वक्ता भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल रहे एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल मीणा के सानिध्य और कार्यक्रम संयोजक अमृतलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में काला दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम आजाद चौक पोसालिया में मुख्य वक्ता श्रीमान योगेंद्र गोयल द्वारा कार्यकर्ताओं को बताया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून को देश पर आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने आमजन के अधिकारों का हनन किया। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी, जिससे कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था। आपातकाल के समय में चुनाव भी स्थगित कर दिए गए और नागरिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था। इसकी जड़ में 1971 में लोकसभा चुनाव था। इस कार्यकाल में खूब भ्रष्टाचार हुआ, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी जैसा अपराध हुआ, कई देश के नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। इस तरह से कांग्रेस ने एक घोर अपराध किया था जिसका लोगों ने विरोध किया। लोकतंत्र की हत्या हुई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल में विरोध करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ता पुखराज जी माली का अभिनंदन किया गया। इसमें शिवगंज मंडल महामंत्री कुंदनमल राठी, मुकेश प्रजापत, राकेश सोनी, हिम्मत जी माली, प्रताप परमार, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सोशल मीडिया से प्रवीण सिंह राव, धनाराम माली, भरत कुमार माली, किशोर खंडेलवाल, किशोर सिंह जी, मक सिंह जी, पद्माराम, बाबूलाल जी, माली पारस, मालछीपा, छगन लाल जी चौहान, युगल जी, राजूभाई मीणा, लादूराम जी माली, विनोद सेवक, कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।